ओके, तो आज की इस वीडियो में जिस म्यूजिक पे आपको वीडियो एडिट करके दिखाने वाला हूँ ना, वो वाला म्यूजिक अभी के टाइम काफी वायरल चल रहा है। देन उस म्यूजिक को आप वीडियो के साथ एक बार देख लीजिए। आपकी इतनी डिमांड पूरे देश भर में प्रचार के लिए सिस्टम है भाई। तो कैसे आप इस म्यूजिक पे इस टाइप का वीडियो बना सकते हो? तो अभी के टाइम ये एटीट्यूड वाला सॉन्ग काफी वायरल चल रहा है, तो कैसे आप स्टार्टिंग में ये वाला लिरिक्स लगा सकते हो? एंड गाइस, जब मॉडल और वीडियो आता है ना तो पूरी ब्लर रहता है, ठीक है। स्टार्टिंग में एंड उसमें एक एनिमेशन भी लगाया गया है। एंड कैसे आप इस टाइप का लाइटिंग इफेक्ट वगैरह, स्लो मोशन वगैरह, तो सारा चीज सिखाने वाला हूं। बस यहां पे आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाना होगा, ठीक है। कैपकट एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए। देन अगर आपके पास कैपकट नहीं है तो जाओ मेरे टेलीग्राम से एकदम फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। एंड इसको किसी एक वीपीएन से आप कनेक्ट कर लेना, ठीक है। प्ले स्टोर में बहुत सारे वीपीएन मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन शो करेगा, इस पे आपको टिक करना होगा। देन टिक करने के बाद गाइस, अब आपको स्टार्टिंग में एक वीडियो को सिलेक्ट करना होगा, जिस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। लिरिक्स वाला वीडियो रहेगा तो कुछ इस प्रकार से आ चुका है वीडियो, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये वाला लिरिक्स यहाँ पे हम बना के दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, आप जाकर डाउनलोड कर लेना। तो आपको लास्ट में आ जाना होगा, जो प्लस का ऑप्शन शो कर रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद सर, अब यहाँ पे ना आपको एक नॉर्मल से वीडियो को शूट कर लेना होगा अपने मोबाइल के कैमरे से। तो यहाँ पे देखा हम स्लो मोशन में वीडियो को शूट किए, ठीक है। उस वाले वीडियो को यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे ना कुछ इस प्रकार से हम स्लो मोशन वाला वीडियो को सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। आप स्लो मोशन में एक वीडियो को शूट कर लेना। अगर आपका वीडियो स्लो मोशन नहीं है तो कैसे करना अभी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। वीडियो पे टिक करना, नीचे शो करिए स्पीड का ऑप्शन, टिक करके नॉर्मल पे टिक करना। इधर करोगे तो वीडियो आपका स्लो मोशन हो जाएगा, इधर करोगे तो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से अपने वीडियो को स्लो मोशन कर लेना, ठीक है। मेरा ऑलरेडी स्लो मोशन है। अब आपको स्टार्टिंग में आना होगा, सबसे पहले म्यूजिक को लेंगे, इसके बाद म्यूजिक के हिसाब से वीडियो को एडिट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो म्यूजिक को लेने के लिए यहाँ पे शो का एड ऑडियो का ऑप्शन, इस पर आपको टिक करना होगा, एक्सट्रैक्टेड पे टिक करना होगा। म्यूजिक वाले वीडियो का भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर डाउनलोड कर लेना। कुछ इस प्रकार से म्यूजिक क्लियर आ चुका है। तो म्यूजिक का जहां तक लेयर है ना, आपका वीडियो का भी लेयर वहीं तक रहना चाहिए, ठीक है। तो म्यूजिक क्लियर यहाँ है, तो ऊपर वाले वीडियो पे आप टिक करना। शो करें स्प्लिट का ऑप्शन, टिक करके आप कट लगा लेना, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे शो करें नीचे डिलीट का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करके डिलीट कर देना। तो इधर का पार्ट हम डिलीट कर दिए, अब यहाँ पे हम इस वाले वीडियो को पूरा एडिट करेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, आपको इस वाले पार्ट में ना पहले स्टार्टिंग में ब्लर इफेक्ट लगाना होगा, ठीक है। ब्लर इफेक्ट लगाने के लिए यहाँ से आप बैक करना, नीचे शो के इफेक्ट का ऑप्शन, ठीक है। तो आपको इसी वीडियो की स्टार्टिंग में आ जाना होगा, नीचे शो के इफेक्ट का ऑप्शन टिक करेंगे, वीडियो इफेक्ट पे टिक करेंगे। ब्लर इफेक्ट लगाने के लिए ना आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा, ठीक है। किसी एक वीपीएन से आप कनेक्ट कर लेना, ओपन एंड क्लोजिंग पे आपको टिक करना होगा, ठीक है। उसमें जो ब्लर इफेक्ट था वो था डायमंड जूम, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे डायमंड जूम ब्लर, आप देख सकते हो। इस पर आपको सिंपली एक बार टिक करना होगा, यहाँ पे ये वाला ब्लर इफेक्ट लग जाएगा। देन आप यहाँ से डन कर देना। डन करने के बाद कैसे, अगर आपको यहाँ से वीडियो को प्ले करके दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से ब्लर इफेक्ट आ रहा है, एंड बीच में यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, कुछ इस प्रकार से ब्लर इफेक्ट आप लगा लेना। ओके, सो एक एनिमेशन भी लगाया गया था, तो वीडियो पे आप टिक करना, नीचे शो पे एनिमेशन का ऑप्शन टिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, आप इधर स्लाइड करना, एक एनिमेशन यहाँ पे मिलेगा रॉक वेट का, ठीक है। इस वाले एनिमेशन को आप यहाँ पे लगा लेना। देन टाइमिंग को भी आप देख सकते हो नीचे से, ठीक है। देन यहाँ से हम डन करेंगे, तो अगर आपको यहाँ से वीडियो को प्ले करके दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से एनिमेशन के साथ ब्लर इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। आप देखे होंगे लाइटिंग इफेक्ट आ रहा था वीडियो में, तो लाइटिंग इफेक्ट लगाने के लिए जहाँ पे ब्लर इफेक्ट खत्म हो रहा है आपको वहाँ पे आ जाना होगा, नीचे शो करके फिर से वीडियो इफेक्ट पे आपको टिक करना होगा, ठीक है। इफेक्ट पे टिक करने के बाद वीडियो इफेक्ट पे टिक करना, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको इफेक्ट वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है। नाइट क्लब में आप टिक करना, बहुत सारे लाइटिंग इफेक्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, आप यहाँ से लाइटिंग इफेक्ट भी लगा सकते हो। देन स्टार पे टिक करके स्टार वाले भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लाइटिंग इफेक्ट की बात करें ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन शो किया रेट्रो का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लाइटिंग इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि लीक वाला, ठीक है। लीक पे हम टिक करेंगे, थोड़ा सा आप वेट करना, यहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट लग जाएगा। देन यहाँ पे डाउनलोड होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा नेट जो कि स्लो है, ठीक है। तो आप जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना। तो यहाँ पे देख सकते हो लाइटिंग इफेक्ट लग चुका है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट लगा सकते हो, तो बहुत सारे मिल जाएंगे, आप देख लेना, ठीक है, एक एक ट्राई करके। देन यहाँ से हम डन करेंगे। डन करने के बाद गाइस, इसका लेंथ कुछ इस प्रकार से आप यहाँ तक रखना, नीचे शो के एडजस्ट का ऑप्शन टिक करेंगे। बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्पीड को आप देख लेना, कितना फास्ट स्लो करने वाले स्पीड, ठीक है। तो आप यहाँ से एडजस्ट कर लेना, रेंज एंड ब्लर अभी आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। ब्लर को एकदम डाउन कर देना थोड़ा सा, और नॉइस को फिल्टर को भी आप यहाँ पे देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। देन यहाँ से हम डन करेंगे, तो कुछ इस प्रकार से आप लाइटिंग इफेक्ट लग चुका है, एंड यहाँ पे ब्लर इफेक्ट वगैरह, ठीक है। तो वीडियो पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुका है। लास्ट पर अगर आपको प्ले करके दिखाऊं ना, तो आपका वीडियो कुछ इस प्रकार से लगेगा बनने के बाद, जो कि गाइस यार दिखने में काफी ऑसम लग रहा है, म्यूजिक काफी ट्रेंड कर रहा है। तो जरूर आप इस टाइप का वीडियो बना सकते हो इस म्यूजिक पे। तो वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं गैलरी में, आपको यहाँ ऊपर में टिक करना होगा। टिक करने के बाद गाइस यार वीडियो आपकी गैलरी में जाके सेव हो जाएगी।